भीमदा शिको हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल शिव कथा उपाय पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूं दर्शकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों आप सभी जानते हैं 30 अगस्त दिन बुधवार को सावन माह की बड़ी पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा तिथि के इस शुभ अवसर पर यदि आप देवाधिदेव महादेव से अपने मन की कामना को पूर्ण करना चाहते हैं कि माता लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करें, धन की बरकत हो, तो इसलिए आप इस एक उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में अवश्य ही करें। कहते हैं शाम के समय प्रदोष काल में देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती स्वयं ही धरती पर भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो इस समय पर यदि आप सच्चे मन से और पूर्ण विश्वास के साथ इस एक उपाय को करते हैं तो महादेव आपकी कामना को पूर्ण कर देते हैं। इस उपाय के लिए आपको 5 धतूरों की आवश्यकता है। यदि आपके जीवन में बहुत अधिक कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, परेशानी चल रही है, एक के बाद एक मुसीबत लगी ही रहती है, तो ऐसी परिस्थिति में 5 धतूरे आपको ले लेने हैं। 5 धतूरों को आपको हल्दी में लपेट लेना है। हल्दी ले ले, हल्दी का घोल बना ले, उसमें धतूरों को लपेट कर शाम के समय प्रदोष काल में महाकाल के मंदिर चले जाए। मंदिर जाकर अपनी कामना कहकर 500 धतूरों को शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। एक एक कर धतूरों को अर्पित करें, अपनी कामना को कहें, महादेव का स्मरण करें, 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का सच्चे मन से उच्चारण करें। महादेव आज की सावन पूर्णिमा पर आपकी मनोकामना को अवश्य ही सुनेंगे और आपकी उस कामना को पूर्ण कर देंगे। तो इस उपाय को करना ना भूलें और उपाय अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिखना ना भूलें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनके जीवन में भी समस्या है तो समाधान मिल सके। हर हर महादेव।